लैंग्वेज इस फिल्म की लैंग्वेज मराठी है पर इसकी जो सोच है वो इंटरनेशनल है. मुझे ये एक वर्ल्ड फिल्म लगती है, मराठी फिल्म लगती नहीं है. और जब उमेश ने मुझे इसकी कहानी सुनाई तो मुझे लगा ओ माय गॉड फैंटास्टिक, हाउ लकी आई एम दैट उन्होंने मुझे चूज़ किया इस पात्र के लिए. और ये किसी भी भाषा में होती या चाहे मुझे मराठी भी सीखनी पड़ती इस फिल्म के लिए तो मैं बिल्कुल सीखती, क्योंकि ये बेहतरीन बेहतरीन कहानी है. और आई कांट वेट के ऑडियंसेस 24 जुलाई को इस फिल्म को देखेंगे हॉल में. और मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें बहुत आनंद आएगा. आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि एक सरप्राइज एलिमेंट है मेरे किरदार को लेके. हाईवे में एक रिच क्लासी गुजराती लेडी है जो अपने फार्म हाउस पे जा रही है हाईवे पे, और क्या होता है बाकी का वो आप फिल्म देख के आपको पता चलेगा. उमा और आप हैं तो फिल्म तो बड़ी हो गई है काफ़ी, तो बॉलीवुड काफ़ी मराठी में भी आने लगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक पता नहीं, मैं ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट सोचती हूँ, मैं बजट और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाती. मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे कहानी या डायरेक्टर के एटीट्यूड या कुछ एक पहलू इंसानी एक्सपीरियंस का जो हमने पहले नहीं देखा, जो हम जब सिनेमा हॉल में बैठते हैं और वो हॉल में अंधेरा होता है और हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो मुझे आइटम सॉन्ग्स में उतना मज़ा नहीं आता या मुझे एक्शन में उतना नहीं आता, मुझे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में मज़ा आता है. तो मैं उस तरह की कहानियाँ ढूंढती हूँ जहाँ पे अगर आप तारे ज़मीन पर की माँ है तो आप उसके साथ उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उसका बेटा जब हॉस्टल छोड़ रहा है तो उसको कैसी फीलिंग हो रही है, या दिल तो बच्चा है जी में जब आप देखते हैं कि वो उसका हस्बैंड उसे ध्यान नहीं दे रहा तो उसका ट्रेनर एक यंगर लड़का है जिसके साथ उसका अफेयर है तो उसकी कैसी फीलिंग है. मुझे फीलिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे हमेशा फीलिंग्स को ही लेके मैं फिल्म देखना चाहती हूँ और उस तरह की चीज़ें, क्योंकि इंसान की जो नेचर है वो एक प्याज या एक अनियन कांदे की तरह है, उसकी लेयर थोड़ी थोड़ी सिनेमा हॉल में जाके जब उतर जाती है और हमें अपने इंसानियत का एहसास होता है, मुझे उस तरह की फिल्मों का शौक है और ये फिल्म वैसी है. कितना मुश्किल था मराठी करना, एक बोलना मराठी? एक्चुअली मुझे बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरे पात्र को मराठी बोलने की ज़रूरत नहीं थी, मैं एक गुजराती कैरेक्टर हूँ तो मैंने हिंदी ही में ही बात